हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्नलीज किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिलीशियस पालक पनीर की रेसिपी, वो भी पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप लोगों के पालक पनीर भी ऐसे ग्रीन कलर का बने। कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करने से आप लोगों के पालक पनीर भी ऐसे ही ग्रीन कलर का बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ पालक पनीर। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेश पालक। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, तो अभी इसे ब्लांच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी गर्म करने के लिए दे दिया था। तो पानी गर्म हो गया है, तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये पालक। तो पालक को अभी इसमें 1 से 2 मिनट कुक करना है, ज़्यादा देर तक नहीं। नीचे के तरफ के पालक कुक हो जाने के बाद, ये जो ऊपर के पालक है उसे नीचे के तरफ कर देना है। पालक को तब तक कुक करना है जब तक ना इसका जो क्रंचीनेस है वो चला जाए। ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो इसका जो कलर है ये डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पालक है वो ब्लांच हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग बाउल में पानी ले लिया है। पानी में ढेर सारा आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दिया है। तो इसे तुरंत ही ये जो पालक है गर्म पानी से निकल के ये ठंडा पानी में ऐड कर देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। ये आइस वाटर में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आइस वाटर में देने से ये जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, साथ ही साथ ये जो पालक का कलर है वो भी बरकरार रहता है। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग जार में ले लिया है टमाटर और अदरक। इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे टमाटर अदरक का पेस्ट रेडी हो गया है, मैंने इसे बाउल में निकाल के रखा है। यहाँ पे देखिए, पालक भी ठंडा हो गया है, तो इसका पानी अच्छे से निचोड़ के इसका भी प्यूरी बना लेना है। इसके साथ आप लोग हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे पालक का प्यूरी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने पैन में दे दिया है सरसों का तेल, साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है बटर। आप लोग चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हो या फिर घी में भी कर सकते हो। तो तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डालिएगा, नहीं तो ये तेल में जाके फटता है। तो इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है खड़े गरम मसाले। ये सब मैं लो फ्लेम में कर रही हूँ। फिर मैंने ऐड कर दिया है ढेर सारा चॉप किया हुआ लहसुन। ये लहसुन पालक पनीर में बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। ये लहसुन फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है ढेर सारा चॉप किया हुआ प्याज, और साथ ही साथ ऐड कर दिया है नमक, ताकि ये प्याज जल्दी से नरम हो जाए। देखिए, यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज नरम हो गया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है इसमें टमाटर अदरक का पेस्ट। इसे भी इसके साथ अच्छे से भून लेना है। हर एक मसाला अलग अलग से भूनने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, यहाँ पे मसाला भुनना हो गया है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ हरी मिर्च और ये स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न ऐड करने से पालक पनीर में एक अलग सा क्रंच ऐड होता है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन एक बार आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। ये कॉर्न भी अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ। फिर मैंने ऐड कर दिया है ये पालक का प्यूरी, और साथ ही साथ ये जो बाउल है इसको भी धो के मैंने इसका पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने कोई हल्दी या फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है। ये ऐड करने से पालक का कलर चेंज हो जाता है। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, और ऐड किया है चीनी। जी हाँ, ये चीनी ऐड करने से जैसे कि ये ग्रेवी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है, और ये जो पालक का कलर है ये भी बरकरार रहता है। तो अभी इसे मैंने
एक दो मिनट के लिए ढक के कुक कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पालक भी अच्छे से पक गया है और ये जो कॉर्न है ये भी कुक हो गया है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी और साथ ही साथ मैंने ऐड किया है पनीर के क्यूब्स। मैंने पनीर फ्राई नहीं किया है क्योंकि पालक पनीर में कच्चा पनीर ही अच्छा लगता है। आप लोग चाहो तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। अभी इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है सारे मसाले के साथ। तो इसे फिर एक से दो मिनट फिर से कुक कर लेना है ढक के। लौट आई हूँ दो मिनट के बाद। फिर इसे अच्छे से और एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। लास्ट में ऐड कर देना है फ्रेश क्रीम। आप लोगों के पास अगर घर के मलाई है, दूध के मलाई है, वो भी ऐड कर सकते हो। ये जो क्रीम है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो रेडी हो गया है हमारा पालक पनीर। लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस। तो आप लोग भी मेरी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके ये जो पालक पनीर है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों के पालक पनीर भी ऐसे ही ग्रीन कलर का बनेगा और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होगा। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे रेसिपीज है। आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को विजिट करके वो रेसिपीज चेक कर सकते हो। होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। तो रेडी हो गया है हमारा पालक पनीर। आप लोग जरूर ट्राई करें मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू मेरे साथ। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।